हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्पैन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसमें हम सीखने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे जस्ट सेकंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस करने से पहले हम इसके सॉल्व करेंगे दो कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस को जान लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस पे आते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारी कंडीशंस क्या है, कंडीशन फॉर स्पैन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हमारे पास, कंडीशन फॉर स्पैन ऑफ वेक्टर के लिए पहली कंडीशन है कि हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जितने हमारे पास वेक्टर हैं, ठीक है, और नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, यानी नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि नॉट स्केलर, किसी भी का स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, कोई मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे वन वन दे रखा है मेरे पास, इसका मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, वन वन दे रखा है और मेरे पास है टू टू। तो देखो इसमें क्या, अगर मैं इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज मैं इसमें से दो मल्टीप्लाई करता हूँ, टू मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, टू और टू ए भी हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ए ऐसे जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं वो स्पैन नहीं करते। ठीक है, यानी कोई स्केलर मल्टीपल नहीं होना चाहिए, या सिंपल मैथमेटिक लैंग्वेज में बोलें तो नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन को माइंड में रखते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पैन आर स्क्वायर। इसमें हमारे पास दे रखी है वन टू माइनस वन। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन लगाते हैं कि पहला हमारे पास कंडीशन था कि नॉन, पहला कंडीशन हमारे पास था कि नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम कंडीशन लगाते हैं, तो नॉन जीरो सारी इसमें भी है। ठीक है, नॉन जीरो अब इसमें भी है, इसमें भी नॉन जीरो है, बट इसमें एक जीरो दे रखा है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, पहले हम काट देते हैं इसको। अब आते हैं हम कंडीशन सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन उसने बोला था कि नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम नॉन कोलिनियर देखते हैं। सबसे पहले वन टू है हमारे पास, ठीक है, माइनस वन टू है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्पैन करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारे पास वन वन है, वन माइनस वन है, वन थ्री है। अगर मैं इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँ, सपोज मैं इसमें माइनस वन मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस वन दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये बस एक माइनस वन नहीं बनेगा। और यहाँ अगर मेरे को वन थ्री के बराबर करना है तो मैं थ्री मल्टीप्लाई, तो सारे बनेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं कर रहा, यानी कि ये भी नॉन कोलिनियर है एज वेल एज नॉन जीरो है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारे क्या कहें स्पैन करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास है माइनस थ्री और वन, ठीक है, एंड सिक्स माइनस टू। अगर मैं इसमें, ठीक है, अगर इसमें हम माइनस टू को मल्टीप्लाई करते, अगर माइनस टू को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे प्लस सिक्स बन जाएगा और यहाँ पे माइनस टू बन जाएगा, जो कि फिर देन इसके बराबर हो जाएगा। यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ए नॉन जीरो है बट नॉट नॉट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, लेकिन बट ए कोलिनियर है, कोलिनियर है, इसलिए हमारे पास क्या हो, ए स्पैन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो नॉन जीरो हमारे पास जीरो है, तो पहली इस कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये स्पैन नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, उसमें भी सेम है कि हमें वेक्टर स्पेन बताना है आर स्क्वायर में। तो पहला हमारे पास देखो क्या है, पहला हमारे पास है जीरो वन और जीरो माइनस वन। इसमें अगर सिंपली अगर माइनस वन को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि कोलिनियर है। बट हमारे सेकंड कंडीशन क्या थी कि सेकंड कंडीशन में बताया था कि नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ये कोलिनियर है तो इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर आते तो हमारे पास जीरो है, तो ऐसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पर जीरो है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं डी पे। डी पे देखो अगर क्या है कि ऑप्शन डी में क्या है, अगर इसमें माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा, जो कि वाई एक्सिस में है, और इसमें माइनस वन मल्टीप्लाई करते भी प्लस वन बनेगा, बट ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, यानी दोनों क्या है हमारे पास कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नॉन कोलिनियर है, और सेकंड और फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो है और नॉन कोलिनियर है, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा, तो इन कंडीशन का यूज करके आप सिंपली से क्या, वेरी सिंपल वे में क्या कर सकते हो, स्पैन ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंडीशंस हमारे पास ये रही, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर शो कर दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।